भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि निर्यात में यह बढ़ोतरी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच हुई है। कोरोना से प्रभावित वैश्विक बाजारों में भारतीय गेहूं के साथ ही भारतीय अनाज से तैयार विविध प्रसंस्कृत आइटम, अन्य अनाज, चावल, डेयरी उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपीडा के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाली कुल आय में भारतीय चावल ने सबसे अधिक डॉलर जुटाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय चावल के निर्यात से 10 महीनों में 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं बीते साल की तुलना में चावल के निर्यात में 13% की बढ़ोतरी हुई है। अपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि निर्यात अप्रैल जनवरी 2020-21 में 15,974 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल जनवरी 2021-22 में बढ़कर 19,709 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि अपीडा ने 2021-22 के तहत कृषि उत्पादों के निर्यात से 23,713 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।